ग्लोबल जंक्शन जो है वो कंट्रोवर्सी में आती है, खेसारी लाल यादव के साथ कई सारे गाने को लेकर कंट्रोवर्सी, स्ट्राइक का खेल होता है, ये खेल है क्या? और ये वाक्य में क्या खेल था तो बंद हो गया? सर ये कोई खेल नहीं है पहली बात, और दूसरी बात क्या है, कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है। ये कंट्रोवर्सी आप लोगों ने की है, हमने नहीं की है। आपने मुझे कभी देखा है इंटरव्यू देते हुए उस चीज़ के लिए? मैंने कभी दिया ही नहीं, मैं कभी बोला ही नहीं। और बाकी रही बात भोजपुरी में, हर एक इतनी से इतनी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, मैं उसमें क्या बोलूँ आपको। बाकी रही बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज़ में, जो चीज़ें थी धीरे धीरे वो ठीक हो रही है, समय के साथ वो ठीक हो जाएंगी। बट एक समय था तो निकल गया सबके लिए, उनके लिए भी, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज पहली बार दिख रहे हैं अखिलेश कश्यप जी उधर, दिख रहे हैं अन्नपूर्णा फिल्म्स को लेकर काफ़ी सारा थी हुआ था, काफ़ी सारे वीडियो भी सोशल मीडिया पर आए थे, एक आरोप प्रत्यारोप का खेल। क्या अन्नपूर्णा फिल्म से पूरा मामला शॉर्ट आउट हो चुका है या फिर अखिलेश जी बताएंगे ज़्यादा बेहतर? अखिलेश जी से पूछिए सवाल, वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। आज अखिलेश जी हमारे साथ किस लेवल पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल जुड़ के काम कर रहे हैं हम लोग, कोई तकलीफ नहीं है। तो और किस तरीके से पवन सिंह के साथ कोलैबोरेशन आपका तगड़ा वाला होता है खेसारी जी के साथ, क्या इन दोनों को मिक्सअप करने के, जैसे ये दोनों भाई मिल चुके हैं तो आपका क्या इस मौके पर डबल मौका करने वाले हैं या फिल्म को लेकर तैयारी, या फिर इन दोनों का क्योंकि आप गाने में एक साथ कोलैबोरेशन करवाने वाले हैं, क्योंकि फिल्म में तो टाइम लगने वाला है, क्या गाने में दोनों का ग्लोबल म्यूजिक से क्या कंबाइन करेंगे क्या? सर देखिए, आपने जो बोला ना मौका, ये मौका नहीं है, ये एक ये एक्चुअली होना चाहिए। जो हमारी इंडस्ट्री है ना भोजपुरी, उसको उसमें ये जो दो स्तंभ हैं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के, पवन जी और खेसारी जी, इन लोगों का साथ में होना हम सबके लिए, खाली आप ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के लिए, पूरी फिल्म पूरी भोजपुरी फ्रेटर्निटी के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, रही बात गाने की, अभी 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 ये मिलन हुआ है, अभी हम मिले भी नहीं है, उसके बाद शायद मिलेंगे, उन लोगों से बात करेंगे तो शायद कुछ भी होगा तो हम आपको पता चली जाएगा। प्रोडक्शन में भी कोशिश जरूर रहेगी, कोशिश कुछ ऐसा किया जाए, जो जो होता है ना कि अगर एक करता है तो दूसरे के लोग उनको वो सब ना, दोनों मिल के प्यार दें, ताकि जब ओवरऑल आए, जब आप चार्ट देखते हैं हम लोग, तो उसमें वो गाना जब नंबर वन होता है तो ये नहीं बोलते कि इसका है उसका, मैं चाहता हूँ भोजपुरी लैंग्वेज हो, और वो है आज। आज आप यूट्यूब पे जाइए, 20 गानों में से 8 गाने भोजपुरी के हैं, 40% मार्केट अगर हम इंडिया की होल्ड कर रहे हैं तो कुछ तो दम है ना भोजपुरी में, खाली दम है। हाँ, तो उस दम को ही देखते रहिए, और ये अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं जो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए अच्छा है, तो अच्छा है, 8 की जगह 12 गाने होंगे तभी वो होगा कि उन चीज़ों को बढ़ाया जाएगा, तो ये अच्छा है। अच्छा, लास्ट सवाल सर, प्रोडक्शन में अभी आप कूद चुके हैं, विजय जी की फिल्म लेके आप आ रहे हैं, क्या इन दोनों दो सुपरस्टार हैं, बहुत प्रोड्यूसर हिम्मत करें कि कोशिश करेंगे या नहीं करें मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल पैसा खर्च कर रही है, साफ सीधी बात है ग्लोबल मार्केट में बहुत पैसा खर्च है, क्या प्रोडक्शन में इन दोनों को एक साथ फिल्म की तैयारी होगी? क्योंकि बहुत लोग ऑडियंस भी चाह रहे हैं कि कोई तो हिम्मत करे, एक बड़ा प्रोड्यूसर, तो बड़ा प्रोड्यूसर में आप है, सीधा सीधी सवाल। सर आप जो ने जो सवाल पूछा है, ये सवाल बहुत बहुत लोगों ने के जहन में अभी है, क्योंकि जो हुआ है उसके हिसाब से सबके जहन में, कि अगर एक होता है ना, कितने दिनों से इंतजार था जब पठान आई तो शाहरुख खान का एक, सलमान खान का कैमियो ही है, लेकिन उसकी वैल्यू अलग हुई। हाँ। तो वो एक है, बट अगर ऊपर वाले ने मुझे चुना उसके लिए तो हिम्मत की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल अगर रेडी है तो परसों हिम्मत, हिम्मत किस चीज़ में, पैसों में, आपको मालूम है उसका जवाब। तो भाई सिंपल सी बात है, प्लीज़ ऑडियंस जितने भी इंटरव्यू देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट यहाँ पे कीजिए कि पवन खेसारी की जो फिल्म आनी चाहिए वो ग्लोबल म्यूजिक सेंक्शन से ज़रूर लेनी चाहिए। सर लास्ट फैन से क्या कहिएगा, जो भोजपुरी ऑडियंस से दर्शक है जो? सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप जिस तरीके से मुझे, मेरे कंपनी को जिस तरीके से प्यार कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, मैं उसको पे बैक तो नहीं बोल सकता, बट जो भी हम लोगों से छोटा बहुत बन पड़ेगा हम उतना वापस देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा उसके लिए हम करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।